और यकीनन आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अपने ज़रूरी कामों को छोड़कर इस बेहद कीमती बेहद ज़रूरी मुहिम का हिस्सा बने हैं और यहाँ दिल्ली में इस वक्त तशरीफ फरमा है। तकरीबन सारे दोस्तों ने सारे जो बेहुदा बेवकूफ कानून है उसके बारे में जानकारी दी है, आपने अपने जज्बातों से महसूस किया है, आगाह किया है, मीडिया को इन्फॉर्म किया है और शेर मेरे ध्यान में आ रहा है यहाँ तादाद देखकर कि जंग में फौज की तादाद से क्या होता है, जंग में फौज की तादाद से क्या होता है, हौसले जंग लड़ते हैं अफवाज से क्या होता है, हौसले जंग लड़ते हैं अफवाज से क्या होता है। मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि हमारी टीम इस बेहुदा कानून जिसको 498 ए के नाम से जाना जाता है उस पर एक बाकायदा कमर्शियल फीचर फिल्म बना रही है और आपको मुबारक हो कि फिल्म कंप्लीट हो गई है। पिछले हफ्ते ही फिल्म कंप्लीट हुई है जिसमें फरीदा जराज, आलोक नाथ, रीमा लागू, दीपक तिजोरी, सुप्रिया कार्मिक, गुलाम अली खान साहब जैसे वेटरन और बड़े कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है और मुझे यकीन है इस फिल्म को पूरा मुकम्मल होकर बनने के बाद देखने के बाद ऐसा एहसास होता है कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो यकीनन ये पार्लियामेंट में मौजूद सो रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और सरकार को जगाने में बहुत बहुत अहम रोल अदा करेगी। फिल्म इस वक्त अगले हफ्ते एक हमारी मीटिंग है जो कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर है जो इसको ग्लोबल रिलीज़ कर रहा है, तो यह खबर मैं आपको पहली मर्तबा आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने फिल्म को बहुत पसंद किया है और वो उसको ग्लोबल रिलीज़ करना चाहते हैं। फिल्म का म्यूजिक जिसमें गुरु निगम, जान, सुनिधि चौहान, भोला वाले खान साहब ने बहुत खूबसूरत गाने गाए हैं, वो टी सीरीज़ को गया है, टी सीरीज़ इस फिल्म के गानों को प्रमोट करेगा और बहुत जल्द आप टेलीविजन पर फिल्म में के गानों को उसके प्रमोशंस को देखना शुरू करेंगे। और ये फिल्म डेडिकेशन है, फिल्म को डेडिकेट किया है हमने सैयद मखदूम जिन्होंने 2009 में इस बेहुदा कानून के चलते खुदकुशी की और वो शख्स इस कदर ज़िंदगी से भरा हुआ था, मेरा कॉलेज का बचपन का मेरा दोस्त था, मैंने उसको उन हालात में देखा था कि जब वो दुनिया को हंसाता था, दुनिया के गम लेता था, ऐसा शख्स जो ज़िंदगी से भरा हुआ हो, एनर्जी से भरा हुआ हो और दुनिया के गमों को लेता हो, उस पर कितना अत्याचार हुआ होगा, कितना जुर्म उस पर हुआ होगा कि उस जैसे हिम्मत वाले शख्स ने अपनी जान कुर्बान की। तो ये फिल्म उसको और उसके जैसे मिलियंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ 498 है उनको ये फिल्म समर्पित है और मुझे यकीन है कि जब फिल्म रिलीज होगी तो इस कानून को वो तब्दील करवा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।